बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद कासिम। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के आज के वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करना है, क्योंकि हमने क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना कंप्लीट कर लिया था, और अब जो है ना हमने क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट है, 1 + ω - ω² / 8, इसको हमने एवेल्यूएट करना है। क्या है कि आपके पास इसका रिजल्ट आपके पास क्या बनेगा या किसके बराबर होगा। तो 1 + ω - ω² / 8, हमें पता है कि 1 + ω जो है ना वो किसके बराबर होता है, कि 1 + ω + ω² वो जीरो के बराबर होता है, कि सम ऑफ 3 ∛ √ इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो 1 + ω किसके बराबर आ जाएगा, -ω² के बराबर। तो इन दो की जगह पे 1 + ω की जगह पे क्या आएगा, -ω² इसके अंदर पुट हो गया। -ω² - ω² / 8 कितना बनेगा, -2ω² / 8। माइनस क्योंकि आपके पास पावर इसकी इवन है, इवन होने की वजह से माइनस क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। 2 ∗ 8 एंड ω² / 8 बनेगा, और 2 और 8 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 16 बनेगा। ये 2 ∗ 8 वैसे के वैसे आता रहेगा। उसके बाद है ओमेगा के पास 16, फिर 16 को हम लिख सकते हैं 15 और ओमेगा, क्योंकि बेसिस सेम तो पावर ऐड हो जाएंगी। 15 को लिख सकते हैं हम 5 × 3 = 15, क्योंकि ओमेगा क्यूब किसके बराबर है, 1 के बराबर है। इसकी जगह हमने 1 पुट कर दिया, 1 ∗ 5 वैसे डॉट ओमेगा वैसे आ जाएगा। तो उसके बाद 2 ∗ 8 कितना बनता है आपके पास, 256 आपके पास ओमेगा आ जाएगा। ये आपके पास जो है ना फर्स्ट पार्ट इससे जो है ना कम्प्लीट हो गया है। अब चलते हैं इसे सेकेंड पार्ट की जाने में। ω² + ω² + 29 + 1, अब आपको पता है ω² + 28 को लिख सकते हैं ω² · 27 · ω। अच्छा, उसके बाद है 29 को भी लिख सकते हैं ω² · 27 · ω², मतलब जब बेसिस सेम हो तो फिर दोबारा 27 और 2 ऐड करोगे तो 29 आ जाएगा, +1 वैसे का वैसे। उसके बाद है हम 27 को लिख सकते हैं 3 × 9 = 27, क्यों, ω³ किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। हम उसकी जगह क्या पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे, डॉट ये वाला ω³ / 9 कितना बनेगा, 9 × 27 · ω² + 1। उसके बाद नेक्स्ट आगे बनेगा आपके पास, अब ω³ किसके बराबर था, 1, उसकी जगह 1 ∗ 9, यहाँ भी ω³ था आपके पास 1 ∗ 9, अब क्या रह गया आपके पास, 1 ∗ 9 हो चाहे जितनी भी पावर उसकी 1 ही रहता है, डॉट ω + ω² + 1। तो ω + ω² + 1 को लिख सकते हैं 1 + ω + ω² तरतीब देती, तो वो किसके बराबर होता है, हम जानते हैं कि वो 0 के बराबर होता है, उसकी जगह 0 आ जाएगा। उसके बाद इसका जो है ना थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट जो है ना आपने खुद ट्राई करना है, हम आपको दिखा देते हैं कि कैसे कैसे आपके पास सॉल्व करना है। ये बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही है जिस तरह से हमने क्वेश्चन का जो ऊपर वाला सेकंड पार्ट किया था, वो आपने खुद इसको जो है ना प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, इसके जो 4 पार्ट है, 4 पार्ट में यह है कि -1 + ω² - 3/2 ⁻⁷ + −1 − ω² / 3, और उसके बाद क्या आ जाएगा, 2/2 / 7। अब इसके किसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, क्योंकि जानते हैं कि ओमेगा की वैल्यू और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू को लाजमी तौर पर जहन में रखना है, वो आप जानते ही हैं कि वो किस किस के बराबर होती हैं। अब आपको पता है कि -1 + √ −3 ⁻², ये किसके बराबर, तो ओमेगा के बराबर, और अगर यहाँ प्लस की जगह माइनस आ जाए तो ओमेगा स्क्वायर के बराबर। हम यही वैल्यू उठा के उसमें क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो ω² + ω² / 7, ω² = 7 × 14 और ω² 7 को लिख सकते हैं 6 · ω³ / 1, 14 को लिख सकते हैं 12 · 2, 12 को लिख सकते हैं 3 ⁄4 · 12, और 6 को लिख सकते हैं 3 × 6। ω³ किसके बराबर, 1 के बराबर, इसकी जगह 1 पुट कर दें, 1 ² 1 ∗ 4, बाकी वैसे का वैसे आएगा। अब 1 ² · ω + 1 ∗ 4 · ω², ये 1 ² 1 आ जाएगा, 1 ∗ 4 1 आ जाएगा, ω + ω² बचेगा, ω + ω² किसके बराबर होता है, -1 के बराबर, ये आपके पास -1 आ जाएगा। इसी तरह इसका जो है ना फिफ्थ पार्ट है, ज़रा फिफ्थ पार्ट इसका ज़रा देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो -1 + ω - 3 ⁻⁵ और -1
माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 की पावर जो है 5। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमें पता है कि ओमेगा बनाने के लिए, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर बनाने के लिए इसके बटे 2 नहीं है, हम 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे डिवाइड भी करेंगे, डिवाइड भी किया मल्टीप्लाई भी किया दोनों तरफ। अब इस टर्म के अंदर अलग, इस टर्म के अंदर हमने अलग कर दिया, तो ये किसके बराबर हो गया सारा का सारा ओमेगा के बराबर हो गया, ये किसके बराबर हो गया सारा का सारा ओमेगा स्क्वायर के बराबर हो गया। इसकी जगह हमने पुट कर दी वैल्यूज, ये देखें 2 इंटू ओमेगा की पावर 5 प्लस 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर की पावर 5, तो 2 की पावर 5 ओमेगा की पावर 5, 2 की पावर 5 ओमेगा की पावर कितना आ जाएगा 10। तो 5 को हम ले सकते हैं 3 और स्क्वायर के अंदर, तो इसी 10 को भी लिख सकते हैं 9 और डबल ओमेगा के अंदर, तो 9 को लिख सकते हैं 3 3 9, और फिर उसके बाद उस ओमेगा क्यूब की वैल्यू जो है ना हम क्या कर देंगे पुट कर देंगे और उसको मज़ीद सॉल्व कर लेंगे। ज़रा देखें ओमेगा पर 5 ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 की पावर 5 ओमेगा पर 3 की पावर 3 डॉट ओमेगा, ओमेगा क्यूब किसके बराबर है 1 के बराबर, हमने उसकी जगह क्या पुट कर दिया 1 1 पुट कर दिया। तो जो बाकी बचेगा 2 की पावर 5 32 ओमेगा स्क्वायर बचेगा, क्योंकि ओमेगा क्यूब की जगह 1 पुट हो गया 1 की पावर 3 डॉट ओमेगा, तो उसके मज़ीद 32 ओमेगा स्क्वायर प्लस 32 ओमेगा, 32 जो है ना कॉमन ले लेंगे, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा आ जाएगा। अब ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा किसके बराबर आएगा, वो आपके पास माइनस 1 के बराबर, इसी का माइनस 1 पुट हो जाएगा और ये माइनस 32 आ जाएगा। इसी तरह से हम स्टूडेंट्स अब हमने क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करना है, एक्स की पावर 3 माइनस वाई की पावर 3 इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस ओमेगा वाई इंटू एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। हम जो इसको इसको सॉल्व करना है, शो ये करना है कि दोनों साइड आपस में बराबर हैं, तो हम पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी राइट हैंड साइड लेते हैं, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस ओमेगा वाई इंटू एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। हमें पता है इन दो को अब आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स को एक्स के साथ एक्स स्क्वायर, एक्स को ओमेगा स्क्वायर के साथ तो ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई, माइनस ओमेगा वाई को एक्स के साथ तो माइनस ओमेगा एक्स वाई, माइनस माइनस प्लस ओमेगा की पावर 3 वाई वाई स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा जी, फिर उसके बाद हमें पता है कि एक्स और वाई क्या आ जाएंगे, इसमें से कॉमन आ जाएंगे, क्या रह जाएगा आपके पास, माइनस भी कॉमन है, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा रह जाएगा, ओमेगा क्यूब वाई स्क्वायर। अच्छा, उसके बाद यह है कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर था, माइनस 1 के बराबर, और ओमेगा क्यूब जो है ना किसके बराबर था 1 के बराबर, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा माइनस 1 हमने पुट कर दिया, तो माइनस एक्स वाई प्लस ओमेगा क्यूब वाई स्क्वायर, तो ओमेगा क्यूब किसके बराबर 1 के बराबर, उसकी जगह 1 पुट कर दिया, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स के स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, तो किसके बराबर होता है, हमारे पास फार्मूला होता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का, ये इसकी जो है ना राइट हैंड साइड आ गया। अब जो है इसका सेकंड पार्ट जो है ना आपने खुद सॉल्व करना है, हम इसका थर्ड पार्ट आपको सॉल्व करके दिखाते हैं कैसे सॉल्व उसको करना होगा। जी, 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 प्लस ओमेगा की पावर 4 इंटू 1 प्लस ओमेगा की पावर 8 अप टू सोन 2n फैक्टर इज इक्वल टू 1 के बराबर रहेगा आंसर। तो हम इसकी क्या लेते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 प्लस ओमेगा की पावर 4 प्लस 1 प्लस ओमेगा की पावर 8 इज इक्वल टू 1 फैक्टर। हम इसको तोड़ आपस से मल्टीप्लाई करते हैं इन दो ब्रैकेट्स को, जब इन दो ब्रैकेट्स को आपस से मल्टीप्लाई करें, 1 को 1 से, 1 को ओमेगा स्क्वायर से, 1 को ओमेगा को 1 से, फिर ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से, तो ये आपके पास ओमेगा क्यूब आ जाएगा। फिर इन दो ब्रैकेट्स को आपस से मल्टीप्लाई करें, 1 प्लस ओमेगा की पावर 4 इंटू 1 प्लस ओमेगा की पावर 8, इन दोनों को आपस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस ओमेगा की पावर 8 प्लस 1 प्लस ओमेगा की पावर 8 प्लस ओमेगा की पावर 4 प्लस ओमेगा की पावर 12 इज इक्वल टू 2n फैक्टर। अब हमें पता है कि जो है ना ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी तरतीब और थोड़ा सा और इसको तोड़ लेते हैं, मजीद ये कि ये 1 प्लस ये वाला ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब 1 ओमेगा की पावर 8 को हम लिख सकते हैं 6 डॉट ओमेगा का स्क्वायर, 4 को लिख सकते हैं क्यूब डॉट ओमेगा, और 12 को लिख सकते हैं 3 की पावर जो है ना 4। कोशिश कीजिएगा कि आपने क्यूब की फॉर्म में अगर बनते हो ओमेगा तो उसको उस तरीके से सॉल्व कीजिएगा, मजीद ये कि क्योंकि हमें पता है कि ओमेगा की पावर 3 जो है ना वो 1 के बराबर होती है। अब हमें ये भी पता है कि अब इसको हम जब सॉल्व करते हैं, हम इसको तोड़ने के बाद प्लस अप टू सो ऑन 2n फैक्टर, जब इसके अंदर हम पुट करते हैं कि ओमेगा क्यूब जिसके बराबर है वो हम 1 के बराबर पुट करेंगे, और जहाँ जहाँ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है उसकी जगह क्या पुट करेंगे हम 0, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, प्लस ओमेगा पर 3 किसके 1 के बराबर आ गया, ओमेगा पर 3 का 1 का स्क्वायर, ओमेगा पर 3 कितने 1 डॉट ओमेगा, ओमेगा पर 3 कितने 1 1 की पावर 4। लेकिन एक बात है
ऑप्टोसोन नहीं भूलना आपने, एन फैक्टर तक, अब क्योंकि ये टूट चुका है, पहले तो ये टू एन फैक्टर था, अब जो है ना ये एन फैक्टर बन जाएगा, ऑप्टोसोन एन फैक्टर। अब क्या है इसमें कि भाग बच क्या गया है, वन ये भाग बाकी बच गया वन, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा और फिर ये वाला वन। इसी तरह से आपके पास ऑप्टोसोन एन फैक्टर, अच्छा उसके बाद ये वन प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर आ गया, जीरो के बराबर। तो फिर वन प्लस ज़ीरो प्लस वन ऑप्टोसोन एन फैक्टर तक जाएगा, एन फैक्टर तक। फिर ये वन को जितनी मरतबा आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखें आप जितनी मरतबा आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे वन, क्योंकि ये ऑप्टोसोन है, ये ऑप्टोसोन जब है ये है, तो आप जिस तरह इसको वन को जितनी मरतबा मल्टीप्लाई करेंगे क्या रिजल्ट आएगा, वन आएगा। तो ये इसकी राइट आंसर आ गया। अच्छा जी स्टूडेंट्स, अब हमने क्वेश्चन नंबर जो ना फोर स्टार्ट करना था, क्वेश्चन नंबर फोर में ये है कि आपके पास वो कहता है कि इस इक्वेशन का ओमेगा भी रूट है और शो ये करके दिखाओ क्या ओमेगा स्क्वायर भी इसके रूट है। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, इसको हमने इक्वेशन नंबर वन का नाम दे दिया कि ओमेगा इज दी रूट ऑफ इक्वेशन। उसने खुद कहा था कि ओमेगा जो है इस इक्वेशन का क्या है, रूट है। तो हम क्या पुट करते होते हैं, जब जो चीज़ रूट होती है हम उस चीज़ के अंदर वो चीज़ पुट कर सकते हैं। तो ओमेगा एक्स की जगह हमने ओमेगा पुट कर दिया, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, हमने इसको क्या नाम दे दिया, सेकेंड इक्वेशन, इसी इस तरह से नाम दे दिया। फिर वो कहता है, हम ये भी कहते हैं, उसने ये भी कहा कि शो ये करके दिखाओ कि ओमेगा स्क्वायर भी इसके रूट है। हम फिर कहते हैं ओमेगा स्क्वायर इज द रूट ऑफ इक्वेशन वन, इक्वेशन नंबर वन का जो है ना ओमेगा स्क्वायर भी रूट है। एक्स का क्या आ चुका है, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर के स्क्वायर क्योंकि स्क्वायर ऊपर मौजूद है, प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स की जगह ओमेगा स्क्वायर आ गया क्योंकि ओमेगा स्क्वायर इसके रूट को उसने कहा है कि वह प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। एक क्वेश्चन नंबर ये जो है ना थर्ड, इसका नाम दे दिया इक्वेशन नंबर थर्ड। इक्वेशन नंबर थर्ड और क्वेश्चन नंबर सेकेंड को हमने उठाया, उसको आपस में सब्ट्रैक्ट किया, तो ये आपके पास कौन सी इक्वेशन नंबर थर्ड आ गई, ये इक्वेशन कौन सी इक्वेशन नंबर टू आ गई। ओमेगा की पावर फोर प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। अब ये ओमेगा नीचे आपके पास कौन सी इक्वेशन, ये वाली ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। तो ये आपस में माइनस करना था, तो ओमेगा स्क्वायर माइनस का ओमेगा स्क्वायर कैंसिल, प्लस का वन माइनस का वन कैंसिल, रह गया क्या ओमेगा की पावर फोर माइनस ओमेगा इज इक्वल टू जीरो। इन दोनों में से क्या कॉमन है, ओमेगा कॉमन है, ओमेगा इंटू ओमेगा की पावर थ्री माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। तो क्योंकि दो प्रोडक्ट फॉर्म में पे दोनों बराबर, हम किसके बराबर, जीरो या एक, दोनों में से कोई एक जीरो के बराबर हो सकता है। हमने क्योंकि हमें पता है कि ओमेगा जो है ना जीरो के बराबर नहीं है, लिहाजा ओमेगा क्यूब माइनस वन इज इक्वल टू जीरो के बराबर हो सकता है। तो ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू वन आ गया। तो हमने साबित कर दिया कि आपके पास ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू वन, ये भी उसने कहा था कि प्रूफ करके दिखाएं, वो भी हमने उसको क्या करके दिखाया, प्रूफ करके दिखा दिया। तो अब क्वेश्चन नंबर जो है ना फाइव है, क्वेश्चन नंबर फाइव में ये है, प्रूफ ये करना है वन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस थ्री की बाय टू होल की पावर नाइन प्लस वन माइनस इंटू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ थ्री बाय टू की पावर नाइन इज इक्वल टू माइनस टू। हम इसकी क्या लेते हैं, सेकेंड लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लेने के बाद हमें पता है कि इसके साथ अगर यहाँ माइनस होता, अगर यहाँ माइनस होता तो ये ओमेगा की वैल्यू थी, यहाँ माइनस होता तो ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू थी, ओमेगा नहीं है, माइनस नहीं है। तो लिहाजा हम क्या करते हैं, इसकी माइनस जो ना कॉमन ले लेते ऊपर से, जब हम कॉमन लेंगे जिसके साथ वो आपका सिंबल इसको चेंज हो जाएगा, तो माइनस वन ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये वाली वैसे की वैसे वैल्यू, इसमें से माइनस जो है ना कॉमन लेंगे ऊपर से, ये प्लस का वन था माइनस का वन हो जाएगा, ये माइनस का है स्क्वायर रूट ऑफ माइनस थ्री तो ये प्लस का हो जाएगा बाय टू। अच्छा जी हमें पता है ये किसके बराबर होता है, ओमेगा स्क्वायर के बराबर, और ये किसके बराबर होता है, ओमेगा के बराबर। आओ जी इसके अंदर पुट कर देते हैं, तो माइनस इंटू माइनस साथ रहेगी, खास ख्याल रखिएगा कि माइनस को बाहर नहीं निकाल लेना। माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर नाइन माइनस ओमेगा की पावर नाइन, अब क्योंकि पावर की क्या है ऑड है, तो माइनस क्या आ जाएगा बाहर है, आपके पास ये कितना हो जाएगा ओमेगा की पावर 18 और माइनस ओमेगा की पावर नाइन। माइनस इसमें से आप कॉमन ले सकते हैं या इसको यूँ भी ले सकते हैं, 18 को हम 3 की पावर 6 माइनस ओमेगा की पावर 3 की पावर 3। ओमेगा 3 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर, उसकी जगह हमने क्या पुट कर दिया, 1 पुट कर दिया। तो यहाँ 1 की पावर 6, यहाँ ओमेगा क्यूब किसके बराबर है, 1 की पावर 1 की पावर 6 आ जाएगी। तो आपके पास 1 की पावर 6 1 ही रहता है, 1 माइनस माइनस का 1 माइनस का 1 कितना आ गया, माइनस का 2, इसकी क्या आ जाएगी, राइट आंसर आ जाएगी। आज का जो हमारा लेक्चर जो है ना कम्प्लीट हुआ, आपने प्रैक्टिस भी करनी है, इसको सॉल्व भी करना है। मजीद वीडियो के अंदर हम जो है ना क्वेश्चन नंबर 6 से आगे इस एक्सरसाइज को जो है ना कंप्लीट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम।